नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिनव मल्होत्रा आज आपके साथ इस स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट को लाया हूँ। ये गेस्ट है तो मेरा स्टूडेंट ही, लेकिन इस गेस्ट यानी कि मयंक ठाकुर ने NDE 1 2023 बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया है। 2 अभी मार्क्स नहीं आ पाता, लेकिन हाँ, जो मयंक का एनालिसिस है, जो मयंक ने अप्रोच फॉलो की है, वो आज इस वीडियो में मयंक आपके साथ शेयर करेगा। मयंक, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है NDE रिटन क्रैक करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मजा आ रहा है? यस सर। चल मयंक, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताओ कुछ अपने बारे में। वेयर आर यू फ्रॉम, कैसे NDE के बारे में सोचा थोड़ा सा? सो आई एम मयंक ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, टिल 12th आई वाज नॉट लाइक दैट आई विल जॉइन द आर्मी। अच्छा। आई वाज थिंकिंग ऑफ लाइक डूइंग समथिंग एल्स लाइक इंजीनियरिंग और सो, बट माय फादर इज इन आर्मी, सो आई हैड द रिस्पेक्ट फॉर द आर्मी फ्रॉम इनिशियल डेज एज वेल। बट व्हेन आई वेंट टू द कैंटोनमेंट एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम विद माय फादर, सो आई मेट सम ऑफिसर्स देयर एंड द ऑरा ऑफ द आर्मी एरिया एंड द आर्मी ऑफिसर्स दैट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। सो आई डिड सम रिसर्च एंड देन आई डिसाइडेड that I will तो मतलब also. Turning point था वो कैंट में जाना? Yes sir. हैं? Yes sir. वो कैंट में जाना turning point? Yes sir. I came into the close contact with yes sir, army and all things. Officers से? Yes sir. उससे पहले तक क्योंकि father army में थे तो कैंट में घूमना नहीं होता था? So so when I was 12, so when I was in second or when I was younger, sir, then I had lived in the cantonment area, but at that age sir, I didn't have that much maturity. अच्छा. So I knew, but yeah. But now when I have reached this age, so when इस दौरान पापा पोस्टिंग पे अलग अलग चले जाते थे, तुम लोग बाहर ही रहते थे? Yes sir. हाँ? Yes sir. वहाँ पे रहते थे? So initially मैं घर पे रहता था, मतलब maximum मैंने studies किया हिमाचल हमीरपुर से। हमीरपुर? Yes sir. Schooling मेरी वहीं से हुई है, so basically मैं घर से school जाता था, that's why. पहाड़ है उधर? Yes sir. So हमीरपुर is like a city area, but वहाँ पे greenery and all everything is fine. अच्छा। Yes, हमीरपुर की क्या खास बात है? सर, खास बात इज दैट हिमाचल में हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमीरपुर का ही है। अच्छा। यस सर। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमीरपुर में, यू कैन से सर। अच्छा। yes, sir. तो फिर तुम 11 12th में कैंट में गए और वहां से तुमने NDE का सोचा? यस सर, आफ्टर 12th। आफ्टर 12th? यस सर। तो तब तक कुछ ऐसा NDE का तुम्हें आइडिया नहीं था कि? सर, आई हैड द आइडिया, बट दैट इंस्पिरेशन एंड दैट फ्लेम फ्रॉम विद इन सर, दैट आई डिडंट हैव अर्लियर। आग नहीं थी? यस सर। आग जली नहीं थी? यस सर। मैं फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे तुम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून पहुंचे? सर, व्हेन आई हैड डिसाइडेड, आई टोल्ड माय फैमिली दैट आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, सो माय फादर एंड मी सर, वी सर्च द इंटरनेट एंड ऑल, सो वी केम अक्रॉस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अच्छा। सो आफ्टर दैट विद इन 1 or 2 days आई वेंट टू देहरादून। यस सर। एंड टुक द एडमिशन इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। यस सर। मयंक, यहां तक मैं समझ गया कि तुम त्रिशूल तक आ गए, और यहां तक भी समझ आ गया कि वो आग जो NDE की लगी वो पहली बार तब लगी जब पिताजी के साथ कैंट में गए थे। यस सर। और कुछ ऑफिसर्स से एसोसिएशन हुआ। यस सर। तो मैं आर्मी ही क्यों पसंद है, एयरफोर्स या नेवी क्यों? सर, बिकॉज़ माय फादर इज इन द आर्मी, दैट्स व्हाई। एंड यस सर, एंड आफ्टर दैट सर, द कैप्टन विक्रम बत्रा सर, द ब्रेव हीरो सर, ही आल्सो बिलोंग टू हिमाचल पालमपुर सर। सो इन आर, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, फर्स्ट आई रेड अबाउट हिम इन आर संस्कृति ऑफ हिमाचल बुक। अच्छा। यस सर। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई केम टू न्यू दैट शेरशाह इज बेस्ड ऑन हिम द मूवी, सो आई गॉट सो इंस्पायर्ड एंड आई वाज लाइक या आई विल बी। तो देखी शेरशाह? यस सर, आई वॉच्ड एंड आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय दैट। एक ही बार देखी है, दो बार? आई हैड वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स? यस सर। मेरे को याद है बॉर्डर पिक्चर भी ना जब आई थी सनी देओल की, बहुत बार लोगों ने देखी थी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने भी, जो फौज के प्रति इंटरेस्ट रखता है वो बिना बॉर्डर पिक्चर देखे रह ही नहीं सकता। मतलब सनी देओल का जो ऑरा था वो बिल्कुल ही अलग था। बहरहाल, अब बात करते हैं कुछ NDE के बारे में भाई। यस सर। NDE 2 2023 सितंबर में है। यस सर। तुम्हें बहुत लोग सुन रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। यस सर। तुम अपने स्टूडेंट हो, अपने स्टूडेंट होने के अलावा भी बीइंग अ रोल मॉडल टुडे। यस सर। क्योंकि तुमने रिटन क्रैक किया है भाई, 3.5-4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। यस सर। और कुछ हजार बच्चों ने क्लियर किया, क्लियर किया, जिसमें से एक तुम हो। तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि व्हाट वॉज योर स्ट्रैटेजी, और NDE 2 2023 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन व्यूअर्स की? यस सर। सो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज योर सेल्फ सर, योर वीक पॉइंट्स एंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, देन यू नीड टू सेट प्रायोरिटी टू द सब्जेक्ट्स दैट यू आर वीक इन एंड दैट यू आर गुड एट। सो लाइक यू नीड टू गिव सम आवर्स इन अ डे, लाइक डेली टू द मैथमेटिक्स, एंड यू नीड टू फोकस
according to your analysis, that which subjects do you need to focus more on and all those things. You need to properly analyze the previous year questions because the pattern of the UPSC is unpredictable. बिल्कुल सही बात. But if you go through the PYQs, then you generate some confidence and you came to know about how UPSC can take turns and how can you tackle all those things. Yes, sir. अच्छा, तो strategy में तुमने ये बोला कि पहले analysis करो and then prioritize. And priority करो. Yes, sir. तुमने maths में कौन-कौन से topics को priority दी? Sir, first of all, I give the priorities of trigonometry and calculus. Trigonometry and calculus. Yes, sir. अच्छा, तो why calculus? So because तुम्हें नहीं लगा कि statistics भी जरूरी है, probability भी जरूरी है? Sir, based on my analysis that sir मेरे जो weak points से, like calculus I was like lacking in some areas. अच्छा. And in trigonometry I was not able to deduce the answer that fast. So yes sir. तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे अच्छे marks आएंगे, जब भी आएंगे NDA में अच्छे marks आएंगे. Yes sir. तो क्या ऐसा reason है कि तुम ये इस conclusion पे पहुँचे कि अगर तुम SSB recommend हो जाओगे और merit in होगे तो तुम्हारे जो हैं वो NDA में तुम score अच्छे दिखेंगे देखने को. Defence aspirants में आपको यहाँ पे रोक दूँ, यहाँ बता दूँ कि जब final selection होता है तो written के भी marks आते हैं, SSB के भी marks आते हैं. SSB हमारे अपने हाथों में है नहीं. Yes, भाई SSS क्या marks दे रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा. बट मैं जितनी बार मैंने बात की उसने कहा सर मेरा अच्छा हुआ और अच्छे मार्क्स आएंगे. तो क्या ऐसा रीज़न है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो वो मेहनत की है सर उसी के बलबूते पे बोल सकता हूँ. यस सर. अच्छा, यस सर. मतलब YouTube चैनल पे भी तुम बोल रहे हो कि हाँ सर मेहनत की है मैंने. यस सर, मेहनत की है सर. आप अगर मेहनत करते रहते हो कंटिन्यूस सर आप में फेथ खुद ही डेवलप होना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस एंड ऑल दोस थिंग्स. यस सर. कभी शैटर नहीं हुआ? कभी दोस्तों ने नहीं कहा रहे नहीं होगा यार बहुत टफ है, मैच बहुत टफ है, जीके बहुत टफ है, करंट अफेयर्स बहुत टफ? सर वन मंथ बिफोर एग्जाम मेरे को लगा था कि कोई गलती तो नहीं होगी प्रिपरेशन में कोई, क्योंकि रिविजन के टाइम में कुछ एरियाज में लैक कर रहा था. सो बट थिंग ये थी कि लास्ट मंथ में मैंने उनको करेक्शन की उनपे और रिवीजन थोड़ा और ढंग से किया अपना. अच्छा. इन दी एंड में कॉन्फिडेंस होकर पेपर देने गया था. त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में देहरादून में जो तुम्हारा अप्रोच था टीचर्स के साथ, कर्नल रावत सर के साथ, उस अप्रोच ने तुम्हें कितनी मदद दिलाई? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नल रावत सर सर गाइडेड अस सर इन मैनी वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड अस हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, हाउ टू हैव दोज ट्रेट्स. And he also mentioned or advised us to read the newspapers. Achha. Yes, sir. And when we gave our mocks, then he also advised that you need to do better in this subject. You are in weak in this. So do and all the best and all those things. So he acted as a great mentor. Yes, sir. Colonel Rawat sir. Yes, sir. Defense aspirants, Colonel A.S. Rawat is ex-NDA employee. Or ex-NDA employee, nahin bolunga, ex-army and ex-NDA. खुद नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी इंस्ट्रक्टर भी थे. तो सर इज़ अ वेरी वेरी लर्नड पर्सन. त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के गाइडेंस में चलती है. एंड स्टूडेंट्स द लाइव एग्जांपल इज़ मयंक ठाकुर. अब भैया आप थोड़े दिन बाद गौरव का भी वीडियो मेरे साथ देखेंगे, गौरव ने भी उसी बैच से क्रैक किया है. तो कहीं ना कहीं अकेडमीज हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हुए या एजुकेटर्स हुए, देखिए ये सब गाइड कर सकते हैं. जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी, मयंक का कॉन्फिडेंस आप देखिए कि हाँ सर मैंने मेहनत की है इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे. तो ये कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है. मयंक इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यूज अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा. एंड कैसा चल रहा है SSB की क्लासेस? अभी हमारी 2 से 3 क्लासेस हुई हैं एंड इनिशियली सर ने इंट्रोडक्शन हमारी कंप्लीट कर दिया है. एंड अपन day 2 तक हमारा किस तरीके से OER एंड PPDT होगा सर हमने वो प्रैक्टिस किया और आज हमने PPDT प्रैक्टिस किया फर्स्ट टाइम. यस सर. स्टेज 1 चालू हो गई. यस सर. डर लग रहा है कहीं पढ़ते हो गए कि स्टेज 1 में 100 में से 70 बच्चे फेल हो जाते हैं? सर वो तो सर ने शुरू में बता दिया था कि मिथ्स होती हैं, आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करेगा कि आज कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आगे पोटेंशियल पे एंड ऑल दोस थिंग्स. मतलब सर ने शुरू में अच्छी गाइडेंस दे दी है. अच्छा. यस सर. एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है अभी तो? अच्छा लग रहा है. बता दो कर्नल पंकज मेहरोत्रा खुद एक्स NDA और एक्स SSB इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे यार. यस सर. आर्मी बोर्ड विच इज वन ऑफ द रिजेक्शन सेंटर्स. रिजेक्शन सेंटर नहीं है, ऐसा है नहीं. यस सर. दैट्स अ मिथ. यस सर. तो वहां पे डिप्टी प्रेसिडेंट थे इलाहाबाद एंड भोपाल में. डिफेंस एस्पिरेंट्स अगर मयंक ठाकुर से कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज मयंक ठाकुर को मैं एक्सेस दे दूंगा कमेंट्स का रिप्लाई देने का. नेक्स्ट 15 दिन में जो भी क्वेश्चन आपके जहन में गूंज रहा है मयंक से पूछें और पता करें कि आखिर क्या अप्रोच होनी चाहिए NDA 2 2023 के लिए.
आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा त्रिशूल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू सर। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।